वेलकम बच्चों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि वेयर आर अल्कोहल एंड शुगर एब्जॉर्प्शन, वेयर आर अल्कोहल एंड शुगर एब्जॉर्प्शन, कि अल्कोहल और शुगर का एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण कहाँ पर होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है कि जैसे ही भोजन आपका स्टोमक में आने की आता है, कहाँ पर आता है, स्टोमक में आता है, तो यहां पर एक ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जिसे बोल सकते हैं आप कॉलिमनर एपिथीलियम, कॉलिमनर एपिथीलियम होता है। मान लो आपने क्या किया, कोई भी मिठाई खाई, कोई भी मिठाई खाई, और ये भोजन की नली के द्वारा जैसे ही स्टोमक में आएगा तो इसी से जुड़ा हुआ आपका एक ब्लड वेसल होगा। क्या होता है, एक ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल होता है, इसे क्या कह देंगे, ब्लड वेसल कह देंगे। और इस ब्लड वेसल में क्या होता रहता है, ब्लड बहता रहता है, क्या बहता रहता है, ब्लड बहता रहता है। और जैसे ही आपने क्या क्या कोई भी शुगर चीजें खाई, मीठी चीजें खाई, ये क्या करता है, तुरंत एब्जॉर्प्शन करता है। कौन करता है, कॉर्नियल एपिथेलियम क्या करता है, तुरंत ही एब्जॉर्ब करके चीजों को ब्लड वेसल में भेज देता है। कौन सी चीजों को, जैसे ही आपने सोचो गपागप मिठाई खाई, जैसे क्या किया, गपागप मिठाई खाई, जैसे ही मिठाई आपने खाया क्या हुआ, शुगर जैसे ही यहां पर आया, इसने कॉर्नियल एपिथेलियम ने क्या किया, तुरंत ही इस मिठाई को इस ब्लड वेसल में भेज देगा। क्या करेगा, तुरंत ही मिठाई को इस ब्लड वेसल में भेज देगा। और सबसे पहले मतलब ब्लड वेसल में कौन बचाता है, स्टोमक, मतलब स्टोमक से ही, ये क्या है, एक प्रकार का स्टोमक है, क्या है, स्टोमक है। और स्टोमक काम क्या करता है, जैसे ही स्टोमक में कोई भी मीठी चीजें आई, वो तुरंत ही ब्लड क्या करेगी, एक नली के द्वारा तुरंत ही ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब करके, तुरंत ही एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा, ब्लड वेसल में भेज देगा। मतलब आप मिठाई खाए, वो तुरंत कहां पहुंचेगी, तुरंत पहुंचेगी स्टोमक में, स्टोमक में पहुंचने के जस्ट तुरंत बाद ही वो ब्लड वेसल में पहुंच जाएगी। दूसरी चीज, आपने एल्कोहल का यूज किया, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों जो बोलते हैं ब्लड शुगर होने का चांस सबसे ज्यादा इसीलिए होता है, ब्लड शुगर होने का जो चांस होता है सबसे ज्यादा वो इसी कारण होता है कि जो लोग ज्यादा मिठाई का सेवन करते हैं, जो लोग ज्यादा चाय पीने का सेवन करते हैं, उनके ब्लड में सबसे पहले किसकी मात्रा जाती है, सबसे पहले शुगर की मात्रा जाती है। या जो लोग ज्यादा से ज्यादा एल्कोहल का यूज करते हैं, एल्कोहल आया, और कहते नहीं है कि नशा तुरंत कैसे हो जाता है, तो जैसे ही एल्कोहल का आपने यूज किया, एल्कोहल का यूज किया, वो तुरंत आया स्टोमक में, और स्टोमक क्या करता है, तुरंत उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में भेज देता है। तो सब जो क्वेश्चन क्या है कि वेयर आर एल्कोहल एंड शुगर एब्जॉर्प्शन, एल्कोहल और शुगर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, तो एल्कोहल और शुगर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्टोमक में होता है। आप लिख सकते हैं कि एल्कोहल और शुगर का अवशोषण अमाशय में होता है। कहां पर होता है, अमाशय अमाशय में होता है। आपने क्या किया, आपने जैसे ही यहां पर मिठाई को जैसे ही काला जाम और या वगैरह वगैरह जो भी मिठाई है, जो तुरंत लिया, आपके कहां पर आई, आपके स्टोमक में आई, और स्टोमक के अंदर क्या होता है, कॉलिमनर एपिथेलियम होता है। कॉलिमनर एपिथेलियम क्या करता है, तुरंत ही इन मीठी चीजों को, मतलब कॉलिमनर एपिथेलियम का और कोई काम नहीं, इसके और एब्जॉर्प्शन का करता है। और वो कौन से एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जैसे ही मीठी चीजें आई वो तुरंत ब्लड वेसल को भेज देता है, और पूरे शरीर में ब्लड वेसल क्या करती है, ब्लड वेसल ब्लड के साथ साथ क्या करती है, पूरे शरीर में इन मीठी चीजों को भेज देता है। दूसरी चीज, जैसे ही एल्कोहल आपने लिया, जैसे ही आपने यहाँ पर एल्कोहल को लिया, वो तुरंत एल्कोहल आया और आपके स्टोमक में आया, स्टोमक से तुरंत ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। और लोग कहते हैं कि आपने तुरंत पिया, तुरंत और
नशा चढ़ गया, तो वही कारण है सबसे पहले कि आपके स्टोमा में आया और कल्नर पिथीलियम ने क्या किया, उसको ब्लड वेसल में भेज दिया, और ब्लड वेसल पूरे शरीर में क्या करता है, इस एल्कोहल को भेज देता है। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आप मुझे आशा है कि आप इसे समझे होंगे कि एल्कोहल और शुगर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। तो शुगर और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन आमाशय में ही हो जाता है, किसके द्वारा होता है, तो कर्नल एपिथीलियम है इसमें पाया जाता है, जो क्या काम करता है, जो तुरंत ही मीठी चीजों को या एल्कोहल को या शुगर को तुरंत ही ब्लड वेसल में भेजता है। और ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद ब्लड वेसल में क्या होता है, हमेशा ब्लड क्या करता है, रनिंग करता रहता है, रनिंग करने के दौरान ये पूरे शरीर में भेज देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।